तो भैया जी हम रुके हैं एक काफी पॉपुलर रेस्टोरेंट में जो भीमताल जाते में पड़ता है। यहाँ के आप स्पेशल आलू के गुटके खाइए जो मेनली पॉपुलर है हमारे कुमाऊं गांव में। वो रेस्टोरेंट है एबर, इसका नाम है बजरंग। सो आइए ट्राई करिए, बहुत अच्छा है, मेरे को तो पसंद आया। भैया जी इस लेक तक पहुंचने के लिए आपको मिनिमम 5 मिनट्स वॉक तो करना पड़ेगा। रास्ता देख लीजिए आप कैसा है, बिल्कुल जंगल से होते हुए तो ऐसे ही गए हम, तो आपको भी ऐसे ही जाना पड़ेगा। रेयर चीज़ें ऐसी मिलती हैं, तो आइए देखते हैं कैसी है लेक। सो गाइज हम फाइनली पहुंच चुके हैं सातताल। बढ़िया, सातताल का लेक, सातताल की लेक नहीं है, हम आए हैं एक डिफरेंट लेक में जहां पे आपको पैदल ट्रैक करके जाना पड़ता है। इतना एटलीस्ट ये होगा 1.5 किलोमीटर। और यहां पे साथ में ये भी लिखा हुआ है सावधान, झील गहरी व खतरनाक है। एंड मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक ये एनिमल्स के लिए भी है, सिर्फ झील के लिए नहीं, क्योंकि अगर ऐसा रास्ता हो तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और एंड स्पेशली कुमाऊं के हिल्स में तो यू कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ पे लेपर्ड्स एंड टाइगर्स, मतलब बाघ वगैरह तो यहाँ पे कॉमन है। सो आगे हम आपको दिखाते हैं लेक। गाइस दिस इज द लेक वी फाउंड, इजंट इट ब्यूटीफुल, इजंट इट, ओ माय गॉड, कितने स्टीप रास्ते पे खड़ा हूँ, पैर फिसल रहे हैं ऑलमोस्ट, सो ब्यूटीफुल। और सनसेट के लिए तो इससे ज्यादा ब्यूटीफुल प्लेस कोई नहीं है। एंड इवन आई टेल यू यहाँ का रास्ता तक नहीं है, हम इस स्टीप रास्ते से आए हैं थोड़ा। यहाँ पे खैर कुछ लोग हैं जो बैठे हैं, गोइंग बैक नाउ। और इतना घना अंधेरा है रास्ते में, आई नो मेरे कैमरे में कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, बट स्टिल ये है जहाँ से हम आ रहे हैं और ये है जहाँ पर हम जा रहे हैं, जहाँ पे हमें कुछ भी नहीं दिख रहा। वी आर गोइंग जस्ट ब्लाइंडली, हमने टॉर्च तो नहीं जला रखा मोबाइल फोन का। खैर एट लास्ट मैंने सोचा दिखाई दूँ आपको कैसे रास्ते में जा रहे हैं, आपको कुछ दिखेगा नहीं, बट सामने हमारे ऐसा पेड़ है और यह है रास्ता जहां पे हम चलते जा रहे हैं। ऊपर हो चुकी है शाम, ब्लू आवर इज ऑलमोस्ट ओवर, सो वी आर ऑन द रोड फाइनली। और यहाँ पे होता है हमारा रास्ता खत्म, जहां पे हमें क्रॉस करना पड़ेगा एक बड़ा सा गड्ढा। सो गाइज दिस इज आर हल्द्वानी, एक्चुअली भीमताल से हल्द्वानी ऐसा नजर आता है कुछ। देखिए चारों तरफ अंधेरा, ये नीचे रोड है एंड हम जा रहे हैं वापस फाइनली। लेकिन हल्द्वानी कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना।